हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू दिस चैनल, वी आर ब्रहल ब्रदर्स। तो गाइस आज का व्लॉग रहने वाला है बहुत ज्यादा स्पेशल, बट उससे पहले आप भी ये सुनने के लिए तरस गए थे ना, क्योंकि हम बहुत देर से अनएक्टिव थे, एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। कहीं पे बिजी था, मैं कहीं पे बिजी था, मगर अब हम प्रॉपर दोनों फ्री हो चुके हैं। जैसे ये कर्नाटका गया हुआ था, मैं अपने घूमने गया था, उसके अलावा भी शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहे थे, बीमार हो गए थे और कुछ भी बहुत कुछ, बट कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अभी हम फिलहाल आते हैं आज के टॉपिक है। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, आज की हमारी वीडियो है मजेदार मंडे। ये होता है कि आपके जो मन चाहे क्वेश्चन होते हैं हम उनका आंसर देते हैं आपको। तो आपके जो भी सवाल होते हैं उसको हम पिन करते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, अब वहां पे भेज देते हो। अभी क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं, तो बिना कोई वक्त गवाए फटाफट चलते हैं वीडियो में। कि मम्मी ने कभी आपको बोला है बेटा जीएफ बना ले, एक कभी दारू पीती या दो? आपको अगर किसी से शादी करनी हो तो आपको लड़की कैसी चाहिए एज अ वाइफ और एज अ गर्लफ्रेंड? क्वेश्चन बहुत सारे आए हमारे पास, हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सुजल लव का, आपने आज जो रील डाली है प्रिंस भैया के साथ टाइप की रील्स डालो करो बिकॉज मेरे को बहुत अच्छी लगी। हमने कंसेप्ट रील बनाई थी, जिन्होंने नहीं चेक करी है इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो आप। मतलब हमने सोचा नहीं था हम वीडियोस कोई और बनाने गए थे, मगर एकदम माइंड में क्लिक हुआ कि यार ऐसी वीडियो बना के ट्राई करते हैं, तो बनाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका। तो सिनेरियो ये है कि हमने कैमरा से वीडियोस बनानी स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कुछ अलग कंसेप्ट या कुछ ऐसा होता है तो आप हमें जरूर बताया करें, ताकि हम वो ट्राई करें और आपको ज्यादा एंटरटेन कुछ अलग अलग देखने को मिले आपको। शॉर्ट्स में भी ट्राई कर सकते हैं, बट थोड़ा हमें रिकमेंडेशन चाहिए फिलहाल के लिए। सेकंड क्वेश्चन है दृष्टि प्राइवेट 29, भाई आप डेली व्लॉग डाला करो, आपके व्लॉग अच्छे लगते हैं, आप नैन्सी डी से कब मिलने जा रहे हो? तो जी डेली व्लॉग्स वाला हमने आपको बता दिया, हाँ कि बिजी थे, अब फ्री हुए, अभी हम बहुत ज्यादा अच्छे से ट्राई करेंगे हम डेली व्लॉगिंग करें। शेड्यूल ऊपर नीचे होते हैं और दूसरी बात है कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आ पाता है, सो वी वांट सम रेकमेंडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। ताकि आप भी बोलना हो जो रोज रोज एक चीज देख के, तो कुछ अलग दिखने के लिए फिर हमें एक्टिव हमें थोड़ा वेट रहना पड़ता है। और नैन्सी जैसे हम बहुत जल्दी मिलने जा रहे हैं, अब इस मंथ है, नेक्स्ट मंथ मिलने जाएंगे, रील्स आपको दिख जाएंगी, यूट्यूब पे भी व्लॉग आएगा जल्दी। नेक्स्ट सवाल आया आरुषि 7744 से, सबसे ज्यादा इमोशनल कब हुए थे? मैं तो अभी जब घूम के आया हूँ, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा वापस अपने लुधियाना के, तो मैं क्या मेरी पूरी टीम ही इमोशनल हो गई थी। मतलब मेरा जिंदगी का पहला ट्रिप था जो मैं इतनी दूर गया घूमने, और वो बहुत दिन का ट्रिप था, तो वहां से वापस आने का मन नहीं कर रहा था। तो मेरे हिसाब से लाइफ में कुछ ऐसी अचीवमेंट्स जो मैं करता हूँ, मतलब मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, जो मैंने नहीं एक्सपेक्ट की होती है, बट मैं फिर भी उसको पूरा कर लेता हूँ, और फिर पीछे जाके उन चीजों को याद करता हूँ या देखता हूँ, तो कभी कभी फील होता है कि यार मैंने करके दिखा दिया था, मतलब मैंने कर लिया था जैसे तैसे करके, तो कभी कभी मतलब जो सोचा था मैंने कर लिया, जब वो हो जाता है ना तो बंदे को होता है हाँ यार मैं पहले क्या था। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे एक टाइम था जब हमने सक्सेस लेना था इसके लिए, बहुत टाइम पहले, 1.5 साल पहले, तब उसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, मैंने इधर उधर से पैसे जुगाड़ करे थे, और इसके लास्ट बंदे पे जैसे हमने 13 प्रो मैक्स जैसे भी करके अरेंज किया, जो भी करा, तो लगता है कि ड्रास्टिक चेंज आ चुके लाइफ में, इमोशनल होते हैं कभी कभी, बट देखते हैं कि हाँ सक्सेस आ रही है धीरे धीरे करके, जैसे भी आप लोग के साथ मिलके। तो नेक्स्ट सवाल पूछा है जी सिद्धू BB32 से, मेक मैगी विद मिल्क, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा वियर्ड है, और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया बिकॉज मेरे को था मैगी के साथ मेयोनीज वगैरह होती है, मतलब मिल्क पहली बार सुना। तो मैं ये क्वेश्चन लेने का मेरा रीजन ये था कि हम वियर्ड फूड चैलेंज का कुछ पार्ट या ऐसा कुछ आप देखना चाहोगे, इसलिए मैंने रखा था कि मुझे याद रहे। अगर आप चाहते हो हम ऐसे कोई फेक या फिर थोड़े अलग कॉम्बिनेशन वाला फूड ट्राई करें, तो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट सवाल मिस्टर करण 003 फैंस, ब्रदर 11th 12th में आपकी स्ट्रीम क्या थी, आर्ट्स कॉमर्स या मेडिकल? आर्ट्स कॉमर्स। मेरी शक्ल देख के लग ही जाएगा आपको, मेरी शक्ल देख के तुमको पता ही लग गया मैं कॉमर्स वाला हूं। नेक्स्ट सवाल सोनी 001, आपकी मम्मी ने कभी आपको बोला है बेटा जीएफ बना ले? किसकी मम्मी कहती है भाई ऐसा? ये सत्यता से हटके है, बट मैं बताता हूँ आपको कि जैसे आजकल क्या होता है, कुछ कुछ लोग हैं जिनकी एज हो चुकी है 29, 30, 28 ऐसा समथिंग कुछ, उनको लड़कियां नहीं मिल रही हैं, तो उनको देख के मम्मी बोलती है होने लाभ लो टाइम से, आगे जाके मिल दिया नहीं है, आप पे देख लो लाभ नहीं है। कईयों के घर में जैसे कई बच्चे ना बहुत शरीफ होते हैं जो लड़कियों से बात करने को भी डरते हैं, हाँ उनके घर वाले उनको कहते हैं भाई कोई बना ले, कोई फ्रेंड बना ले, कोई है तो हमें बता दे ये वो ऐसे वैसे, मगर हमारे घर वालों ने कभी ऐसा नहीं बोला। समझ रहे हो? नेक्स्ट सवाल पायल गंभीर 0206 #मजेदार मंडे, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, आप डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते, आप गॉड ब्लेस यू बोथ।
तो गाइस डेली व्लॉगिंग के लिए हमें कंटेंट चाहिए, कंटेंट बताओ आप। हम कुकिंग वीडियोस, चैलेंज वीडियो, प्रैंक वीडियो बहुत कुछ सोचते हैं, बट ना एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं चीजें। तो आपके मन में अगर कोई सजेशन है, कुछ बढ़िया सा आपको लगता है, कमेंट में बताओ, हम चेक करेंगे कमेंट और देखेंगे। इस बार के कमेंट फॉर श्योर चेक होंगे और मैक्सिमम कमेंट्स वाले को शाउट आउट भी मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर जरूर बताना, बिकॉज ना माइंड नहीं चल पा रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि काफी टाइम से नेगेटिव है, तो थोड़ा माइंड ना तो नेक्स्ट सवाल आया जी प्रीति कुमार 85 से, दिवांशु और मुस्कान भाभी के मैरिज का व्लॉग कब आ रहा है। तो गाइस सीन ऐसा है कि दो व्लॉग जो हमने डाले बहुत टाइम टाइम लगा के डाले थे, और अब इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा खत्म हो रहा था, है ना, मुझे भी इंटरेस्ट खत्म, व्लॉग बना पड़ा है बट डालने वाला पड़ा। ये व्लॉग के बाद या उसके बाद एक और व्लॉग डालेंगे, उसके बाद पहले मैं सोचा था कि आज ये व्लॉग डाले, मगर आज मंडे का मंडे था तो हमने ये व्लॉग बनाया। तो नेक्स्ट सवाल है राधिका माशा, राधिका मनहास, सॉरी 48, why you are less active on YouTube? Because we don't have any time, हमारा शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, हम एक्टिव हो जाएंगे नहीं, हो गए, हो गए, आज से हो गए। ये बात अब प्रिंस ने बोली है, अब व्लॉग की स्टार्टिंग, व्लॉग की एंडिंग प्रिंस ने नहीं, यार ये नहीं, ये डिपेंड नहीं करता, मगर व्लॉग में आना जरूरी है, वो मैं आऊंगा। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट, भी प्रैक्टिकल भी, आवाज नहीं सही चल रही, ठीक है, मैं इसे बोला नहीं जा रहा, मेरे को खांसी हो रही बार बार, तो मेरा भाई है छोटा, ये अगला सवाल ठाकुर संध्या सिंह # मजेदार मंडे, आपके अब रिप्लाई क्यों नहीं, आप ये बताइए आप रिप्लाई क्यों नहीं देते हो, कितने उम्मीद से मैसेज करते हैं। गाइस टाइम नहीं हो पा रहा है, इतने नहीं दे पा रहे, अब से एक्टिव है, अब से जो भी आपके गिले शिकवे हैं सब खत्म होंगे, और आज से बस, सब रिप्लाई होंगे। पानी, पानी। नेक्स्ट सवाल पूछा गया सिमरनप्रीत 6674, आप और प्रिंस में कुछ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है, मैंने इसको भी पहनी, इसने उल्टी पहनी है, इसने अंदर व्हाइट पहना, मैंने ब्लैक पहना है, और बताइए हंसता ही रहता है, रिप्लाई अच्छी है तो नहीं है पॉइंट है ना। तो गाइस दिक्कत ये है, इससे बोलो ज्यादा मेरे काम में नहीं, मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है, हम लोगों के टेस्ट में, हमारी प्रेफरेंसेस में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, इसको बट आपको हम दोनों में कोई 5 डिफरेंस बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, जिसके डिफरेंस अच्छे होंगे उसको इंस्टाग्राम पे स्टोरी मिलेगी, डिफरेंस सही होंगे उसको शॉर्ट आउट मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी, यहाँ पे भी, दोनों जगह पे। नेक्स्ट सवाल ईगो जट्टी 01, सर जे कोई कहंदा तुहानू माड़ा बंदा, जे कोई बंदा तुहानू माड़ा कहंदा गया तां तुसीं की करदे हो, सर मेरा क्वेश्चन दा आंसर जरूर दिओ। असीं पहली गल सिखी इग्नोर करना, इग्नोर करीदा यार, जितों लंघ के आए ना बड़ी इज्जत फेस कर लियां, जे हुण कोई बोलदा बोली जावे कोई गल नहीं, मां हेटर भी होने जरूरी है। देखो हेटर होंगे ताई तुम्हें पता लगेगा, एक मुकाम ते पहुंच चुके हो, बट वी आर नॉट सेइंग कि आप बहुत बड़े लेवल ते हैं, ठीक है। दूजी गल लगा आपा खुश है, दूजी गल आया कि आपा आपड़े वालों को जवाब नहीं देंदे, अपने कामना नु दिखाई दे, जिदा मान लो उन्होंने कहा था फुकरा भाई ये है वो है, तो उन्होंने अपने कामना दिखाई दे, व्यूज आंदे ने या चीजा दिखदे ने उन्होंने, किसी फोन कर रहे हैं मार्केट दे विच कुछ कुछ वेदा कई आंदे हवा आ गई ना, मगर भाई आपा मेहनत कीती ता हवा ही साडे च, दैट्स आंसर टू दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीत कौर 8390 # मजेदार मंडे, कभी दारू पीती आ, दूजा सवाल सब तो ज्यादा प्रेशर केड़ी क्लास थी 10th 11th 12th दस्सियो जरूर। प्रेशर पहले वाला सवाल का जवाब नहीं आया हाले, दे गाइस देखो बाकी गल्लां दी गल्लां, जे तुसीं गल करो ट्राई दी, ते ट्राई आपां दोवां ने कीती है, झूठ नहीं बोलना आपां, ठीक आ, कीती ट्राई, ट्राई कीती आ, ते वध नहीं पीती आ, ते हिंदी हिंदी में बोला भाई, ज्यादा नहीं पिया हम लोगों ने वैसे ऑलमोस्ट, कुछ लोगों ने पी हुई तो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। तो प्रेशर की अगर बात करो 10th 11th 12th, तो मेरा प्रेशर लेवल 10th में बहुत ज्यादा था, बिकॉज मुझे लगता था कि बोर्ड है पहली, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, प्लस वन में तो ओके पे फेस था, और प्लस टू में मैंने सोचा भाड़ में जाए दुनिया देखी जाएगी जो होना है, चिल मारता हूँ। मेरा प्लस टू में था क्योंकि मुझे आगे एडमिशन लेनी थी कॉलेज में, तो मेरे को ये था कि परसेंटेज नहीं आई तो एडमिशन नहीं मिलेगी। तुम्हारी परसेंटेज कितनी आई थी फिर?
तो गाइस मेरे 10th में प्रेशर लेने से 78 आया, प्लस 2 में प्रेशर ना लेने से भी 70 भाई उन्होंने घंटा नहीं पूछी, घंटा फर्क नहीं पड़ा। सो गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है आई एम क्वीन 19 का, आपको अगर किसी से शादी करनी हो तो आपको लड़की कैसी चाहिए एज अ वाइफ और एज गर्लफ्रेंड, बता दो। तो पहली बात पहले अपनी चॉइस बताएगा, ये shaadi.com नहीं है गाइस, इसमें हम क्या बताएं आप लोग को, फिर भी अगर आप पूछ रहे हो तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, जब हम आएंगे तब आपको बताएंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, सुशील सुंदर आत्मनिर्भर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत जानने वाली, घर को संभालने वाली, बच्चों को संभालने वाली, मेरी माँ का ध्यान रखने वाली, मेरे बाबूजी की पैर दबाने वाली, सुबह सुबह एक चाय का कप पिलाने वाली, रोटी बनाने वाली, ये तो काम वाली वाला हो गया ना फिर आपके तो। चलो कोई बात नहीं, तो गाइस जैसी भी चाहिए होगी वो जब आएगी तब आपको दिख जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, नहीं दो तीन साल रुक जाओ, मेरी वाली इधर खड़ी होगी, इसकी वाली इधर खड़ी होगी, तो आपको जो मन में क्वेश्चन आएगा पूछ लेना अपने आप, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बाकी इसको मैं बता देता, इसको थोड़ी थोड़ी फंकी टाइप मेरी पागलबंदी देखने आते हो आप, मुझे पता है, मुझे पता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिस इज एंड ऑफ आवर वीडियो, होप यू गाइस लव इट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये काफी देर पर बना रहे हैं तो एक्साइटमेंट बहुत है। हाँ, इसको ऑल टाइम की तरह लेजी के लेजी है, तो हम बताना चाहेंगे कि यहीं पे वीडियो होती है समाप्त, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।